अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स, आज हम टी डे सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। टी डे सिरप जो है वो GSK कंपनी बनाती है, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इसको बनाती है। इसके ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, इसकी यूजेस और इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में भी बात करेंगे। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन को भी दबाएँ, ताकि आने वाली इसी तरह की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। व्यूअर्स, बात स्टार्ट करते हैं टी डे सिरप के बारे में। टी डे सिरप में लीवोसिट्राजीन पड़ी हुई है, जो कि H2 एंटागोनिस्ट है, यानी हिस्टामिन 2 को ये ब्लॉक करती है। जिसके व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। व्यूअर्स, ये एलर्जी में इस्तेमाल होती है। कौन सी एलर्जी, किस किस चीज़ के एलर्जी के लिए ये इस्तेमाल होती है? व्यूअर, सबसे पहले ये रनी नोज़ में इस्तेमाल होती है, यानी अगर किसी की नाक बहती है और उसकी वजह से उसको बार बार छींक आते हैं तो ये एलर्जी की एक सिम्टम है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अगर किसी के आँख की बहती है, आँखों की एलर्जी है, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ ये स्किन के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है, यानी स्किन की एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। स्किन की एलर्जी क्या होती है? स्किन पे सुरह सुरह से दाने निकल आते हैं एलर्जी की वजह से, तो वो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर किसी के नाक बंद है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है, नाक खोलती है, नाक को खोलने में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी यूजेस के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अगर छोटे बच्चों में इस्तेमाल करना हो तो दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करें, अगर बड़ों में इस्तेमाल करना हो तो दिन में 2 टाइम्स इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।